तो इस गाड़ी में तो हर जगह सिर्फ शिनचैन ही शिनचैन है। क्या तगड़ी गाड़ी दी है आयरन मैन ने, बहुत ही ज्यादा तगड़ी गाड़ी है। अरे तो मैं जा रहा हूँ शिनचैन, ठीक है मैं प्लेन के पास पहुंचने वाला हूँ और ये पहुंच गया। अरे नहीं गिरने जाऊंगा, बस बस आराम से पहुंच गया। तो जल्दी से खुदाते अपनी प्लेन से गाड़ी और ये कूद गई, ये तो गिरते ही फट जाएगी। ओ भाई पैराशूट है इसमें तो बहुत खतरनाक। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग, आप सबका स्वागत है GT5 की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन। अरे यार किसका फोन आ रहा है, कौन है बे? अरे आयरन मैन का फोन आ रहा है। अरे हाँ हेलो आयरन मैन। अरे मैंने तुमको बोला करना जल्दी आना। अरे हाँ आ ही रहा हूँ, बस मैं घर से निकल रहा हूँ। अरे जल्दी आओ, मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अरे हाँ आ रहा हूँ, बस जल्दी आना, शिनचैन को भी लेके आना। हाँ हाँ आ रहा हूँ, पता नहीं जिसको टोनी स्टार्क को क्या काम है, आयरन मैन को जल्दी से जाना पड़ेगा, उसको पता नहीं कौन सा काम है। शिनचैन, ओ शिनचैन कहाँ पे? अबे ये क्या है? अबे छी क्या है, छी क्या है ये? अबे ये क्या कर दिया इसने चॉप ने यार, ये कहाँ है चॉप यार, ये छी कितना गंदा, और ये दिल क्यों बनाया है इसने? अबे कहाँ पे है चॉप, इधर तेरी 12 बजे चॉप। शिनचैन कहाँ पे हो तुम दोनों? ये भागा बाहर भागा होगा पक्का, कहाँ पे है चॉप? इधर तो नहीं है, इधर बाहर भागा हो यार, कहाँ पे है शिनचैन? चॉप कहाँ पे हो? ये रहा चॉप, कहाँ जा रहा है साले, क्या कर रहा है वहाँ पे? अरे यार फ्रैंकलिन यार इतनी मस्त डिज़ाइन बनाई है, एक तो तुम मुझे और बोल रहे हो यार, अबे कहाँ से डिज़ाइन बनाई है? अरे मैं तो भाग रहा हूँ। अबे रुक जाओ ये फालतू में मत भाग। अरे यार क्या हुआ यार, इतनी बढ़िया डिज़ाइन बनाई है शिनचैन ने बोला था। अबे रुक जाओ ये, कहाँ जा रहा है पागल? अबे ये शिनचैन ने इसको क्या बोल, कौन सी डिज़ाइन बना दी यार? अबे एक तो शिनचैन को ढूंढूँ यार, अब मैं शिनचैन, ओ शिनचैन कहाँ पे तू? अरे कहाँ है यार ये शिनचैन? अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया, यार क्यों चिल्ला रहे हो यार, इतनी बढ़िया डिज़ाइन तो बनाई है यार। अबे ये बढ़िया डिज़ाइन है, पूरा ख़राब कर दिया यार, तू साफ करेगा? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं क्यों करूँ साफ, चल छोड़ यार अभी यार, तू तुम्हें पूरा मूड खराब कर दिया, चल अभी। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ चल रही हो? अबे टोनी स्टार्क ने बुलाया है। अरे ये टोनी शार्क कौन है? अबे शार्क नहीं तो स्टार्क, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आयरन मैन ने बुलाया है। अच्छा आयरन मैन नहीं, अरे बाबा जल्दी चलो यार, इतने दिनों से मैं उससे नहीं मिला हूँ, चलो आज तो मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे बुलाया क्यों है उन्होंने? वो तो मुझे नहीं बोला, उसने बोला कोई जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे अरे ठीक है चलो मज़ा आएगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं टोनी स्टार्क के घर पे, तो गाइस अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो चैनल को। अरे यार फ्रैंकी भैया यार, ये यार बोलने भी नहीं देते यार, हर बार टोक देते हो यार, अभी बोल ले। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो यार। फ्रैंकी भैया यार आपको गाड़ी नहीं चलाना आती क्या यार? अबे यार मैं क्या करूँ सब बेड़े जा रहे। तो गाइस हम 100K के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्दी से 100K पहुँच जाएँ। अरे अरे फ्रैंकी भैया फिर का बेड़ी, अरे फ्रैंकी भैया आपने तो बचा ली। हाँ मैंने बचा ली, देखा मैंने बोला था ना मैं बढ़िया ड्राइवर हूँ। अरे गाइस अगर आपने अभी तक Q&A में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लो, कमेंट में जाके कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। अरे फ्रैंकी भैया क्या कर रहे हो? तो गाइस अभी हम बस पहुंच ही गए टोनी स्टार्क के घर पे, आराम से जा रहे हैं हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए, आज बिल्कुल नहीं भेड़ेंगे उसके घर में, वैसे हर बार भेड़ देते हैं कुछ ना कुछ। अरे यार फ्रैंकी भैया देखना कुछ ना कुछ तो भेड़ ही दोगे। अबे नहीं भेड़ूंगा, देखना कितनी धीरे चला रहा हूँ, देख आराम से बिल्कुल। अरे देखना अब भेड़ोगे कुछ ना कुछ तो। अबे नहीं भेड़ूंगा ना, देखो देखो भेड़ है, अभी उसको भेड़ना नहीं बोलते हैं। अरे यार अरे यार भेड़ गई और, तो हर बार किसी भिड़ जाती है यार फालतू में। चलो आ गए अपन टोनी स्टार्क के घर पे, शिनचैन चल उतर आ जा। अरे फ्रैंकी भैया यार जल्दी उतरो यार, जल्दी उतरो। अबे तू उतर ना, मैं तो उतर गया, ले आ जा। अरे चलना क्या हो गया? अरे फ्रैंकी भैया मैं नहीं चलूंगा। अबे क्यों? अरे मेरे को नहीं चलना, सामने हल्क खड़ा है, वो बहुत मारता है मुझे। अबे क्यों मारेगा तुझे? अरे पिछली बार मैंने उनकी चड्डी फाड़ दी थी इसलिए वो मुझे मार रही थी। अबे क्या बोलते हैं, फालतू चीजें क्यों करता है तू उसके साथ यार? ये रे दोनों हल्क भी खड़ा है और अपना आयरन मैन भी खड़ा है। अबे हल्क कितना मोटा होता जा रहे हो, मोटे गेंडे। ए इतनी ज्यादा मत बोल, बहुत मार खाएगा मेरे से, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। अबे क्या करेगा तू मोटे साले, अभी गिराऊंगा एक बारी, ये चलने गिर। अबे इसको दूर छुआ ही नहीं, अबे रुको अभी तेरे को गिरा तो ये गिरेगा अब। अबे अभी भी नहीं गिरा। ए पिद्दी एक हाथ पड़ेगा ना उठ जाएगा अभी। अबे चल चल चुप, ज्यादा मत बोल, हल्क गुस्सा छोड़ेगा नहीं। अबे अरे कुछ नहीं कर रहा, चल बोल आयरन मैन क्या हो गया? फ्रैंकलिन मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। हाँ तभी तो आया, बोलो ना क्या हो गया? अरे मेरे को ये काम था, तुम्हें जल्दी से जाके एयरपोर्ट जाना होगा, वहाँ पे एक प्लेन है उसमें से तुमको एक गाड़ी निकाल ली होगी, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी गाड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट पड़े और वो गाड़ी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ तो प्लेन में से तो निकालना है, मैं निकाल लूंगा। अरे पर तुमको जल्दी जाना होगा वरना वो प्लेन अगर उसने टेक ऑफ कर लिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अरे तो पर मैं निकालूंगा किसे अगर उसने टेक ऑफ कर लिया तो? अरे वो तुमको याद नहीं है, मैं तुमको एक गन दी थी जिससे तुम इधर उधर उड़ सकते थे। अरे हाँ मुझे याद है, ठीक है मैं जल्दी जाता हूँ अभी। अरे जल्दी जाना यार, वो उड़ नहीं जाए। अरे हाँ जा रहा हूँ मैं जल्दी से जाता हूँ, मुझे याद है वो वाली गन बहुत ज्यादा शानदार गन है, जल्दी चल शिनचैन बैठ। अरे वैंकी भैया क्या हो गया यार? अबे चल तो सर ये बता दो मुझे जल्दी से। अरे चलना कहीं, ये तो बता दो। अबे चल रहा हूँ ना मैं, गाड़ी तो मेरे को चलानी, देखो क्या दिक्कत है, तो जल्दी से चलते हैं अपन अपने एयरपोर्ट पे। और ये मैं कहाँ उड़ रहा हूँ भाई? अरे वैंकी भैया। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट, आराम से जा रहे हैं जल्दी से। अरे फ्रैंकी भैया यार अपन एयरपोर्ट क्यों आए हैं? अबे काम है ना इसलिए आए हैं, तो जल्दी यहाँ पे चलते हैं। ओ भाई गेट खोल,
ए मैं क्यों खोलू रे? अबे खोलना पागल। ए मैं नहीं खोलूंगा, चल चल। अबे तू देख ले कौन है, मैं पहले देख तो ले। ए जो भी है तू निकल निकल, मैं नहीं देखता, जा जा, मैं नहीं खोलता। अबे खोल ले फिर देखना, तू पछताएगा। अबे कौन है तू? अबे मैं फ्रैंकलिन। अबे कौन फ्रैंकलिन? अरे फ्रैंकी भैया यार, ये तो आपको जानता ही नहीं है। अबे ऐसे कैसे नहीं जानेगा, अब देख जान जाएगा। अभी इसको जनवाना ही पड़ेगा, ये साले मेरे को नहीं जानता, ये जान गया। मैं हूँ फ्रैंकलिन। मर साले मर, अभी इसको देख और जनवाते हैं। अरे फ्रैंकी भैया जल्दी चलो यार, आपको प्लेन पे जाना है ना। अरे हाँ जाना जल्दी जल्दी चलो यार, मैं भूल ही जाता हूँ। एक तो यार साला मेरे को जानता नहीं, आप जान गया आराम से, जल्दी से चलते हैं अपन प्लेन ढूंढते हैं। तो कहीं से अभी प्लेन मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। अरे फ्रैंकी भैया देखो ऊपर प्लेन जा रहा है। अबे कहाँ है प्लेन? अबे ये रहा, ये तो निकल भी गया प्लेन। अबे इसको इतनी क्या जल्दी थी, जल्दी से उतरना पड़ेगा गाड़ी से, और यहाँ से कूद गया। लगी यार और लगी यार मेरी कमर पर, कोई बात नहीं जल्दी से उतरते हैं यार। ये तो निकल भी गया प्लेन। अरे टोनी स्टार्क ने तो बोला निकलेगा एक आइडिया, हम उन जो गंदी थी ना मेरे को वो यूज़ करनी पड़ेगी। ये कहाँ है ये वाली गन, ये मिल गई, इसको मारता हूँ। ये ले। अबे कुछ नहीं हुआ, अबे ये ले और निकल गए। चलो मैं फिर चिंचन में जा रहा हूँ। अरे वेंकी भैया आप तो उड़ने लग गए। अबे ये कैसी गन है भाई, ये तो मुझे पूरा खींचते हुए जा रही है उधर तक। अरे वेंकी भैया यार कहाँ जा रहे हो? अबे यार प्लेन के पास जा रहा हूँ मैं। अरे भाई कैसे उड़ रहा हूँ मैं, और ये आ गया और मैं गिर जाऊँगा। ओ भाई आराम से मैं गिरना नहीं चाहूँ भाई, अगर यहाँ से गिरा तो कभी भी नहीं बचूंगा भाई। अब आराम से चलते हैं यहाँ से। अब मैं जाऊँगा कैसे भाई अंदर? अबे यार अंदर कैसे जाऊँगा, तो मैंने सोचा ही नहीं पहले। अरे यार समझ नहीं आ रहा मुझे, चलो एक बार आगे चल के देखते हैं यार, यहाँ पे कोई बैठा है कि उसको थोड़ा गंद दिखा के डराता हूँ। ये देखो भाई चल गेट खोल। अबे यहाँ तो यही ही नहीं, अबे ये तो ऑटो पायलट पे लग रहा है। चल भाई कोई भी नहीं है, अबे प्लेन अपने आप चल रहा है यार, ये क्या हो गया यार? अबे यार कि टोनी स्टार्क को फ़ोन करना पड़ेगा। नहीं यार पर टोनी स्टार्क को क्या करूँ भाई, ऑटो पायलट पे चल रहा है वो क्या करेगा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार, कहाँ जाऊँ, किधर से गेट खोलूँ भाई, किधर से जाना पड़ेगा यार। तो कैसे अभी मैं यहाँ से सोचा यहाँ पे गोलियाँ मारूँ और ये गेट खुल जाएगा शायद, और ये गेट खुल गया। ओ भाई खुल गया यहाँ पे मैंने गोलियाँ मारी और ये गेट खुल गया शायद। ऑटो पायलट पता नहीं कैसे खुला, जो भी होगा, पर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आराम से यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से मुझे अंदर खुद जाना है सीधा। और यार मैं गिरना नहीं चाहूँ, बस अगर मैं गिरा तो भाई फिर गया मैं, मतलब उड़ता हुआ प्लेन अगर वहाँ से गिरा तो बिल्कुल मर ही जाऊँगा। और शिनचैन भी पता नहीं मेरे को बचा नहीं पाएगा नीचे से। तो यहाँ से चलते हैं आराम से नीचे, आराम से। और नहीं आराम से ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नीचे उतरते हैं और ये मैं आ गया। ओ भाई मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे सीधा, सही में ऑटो पायलट पर चल रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं, इनको थोड़ी तोड़ देते हैं। अरे मैं उड़ जाऊँगा भाई, मैं भूल गया मेरे पास गन वाली है, इसको पहले अंदर रख लेते गन को। और यहाँ पे सही में कोई भी नहीं है यार भाई, अंदर कोई भी सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ भी नहीं है क्या? नीचे शायद कार हो सकती है, वहाँ पे चलते हैं नीचे पर, आराम से थोड़ी सांस ले लूँ। चलो अब चलते हैं और ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और ये वो कार। ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा शानदार कार है, पूरी गोल्ड की लग रही है मेरे को ये तो, और पीछे बूस्ट लगा हुआ है, और ये कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई, इसमें कितने सारे बटन से यार, बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही कार। देखो भाई कितनी ज़्यादा गोरी गोल्ड की है एक तो भाई, कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई, मज़ा आ गया कार को देख के। तो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ इस कार में, पर मैं जाऊँगा कैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसको खुदाना तो पड़ेगा ना। रुको इस पर गोलियाँ मारता हूँ, ये मारो। ओ भाई ये भी खुल चुका है, और यहाँ से अपन भगाने के लिए फुल तैयार है स्पीड में। और ये 3 2 1 ये और ये बूस्ट भी है इसमें तो, और ये मैं निकल चुका हूँ और ये सीधा जा रहे हैं आराम से जाएंगे भाई साहब, कितनी तगड़ी करे। पर मैं नीचे गिरते ही तो मैं मर जाऊंगा। और ये भाई पैराशूट भी है, ओ भाई साहब देखो क्या तगड़ा पैराशूट है इसमें, ओ भाई इसमें क्या इतने सारे बटन है भाई, पता नहीं क्या क्या होगा, इतने सारे बटन है इसमें। पर अभी तो हमारे पास पैराशूट खुल चुका है, आराम से अपन लैंडिंग करेंगे भाई, कितनी तगड़ी लग रही है यार। तो अभी हम जा रहे हैं भाई नीचे आराम से बिल्कुल पैराशूट में, कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है भाई ये कार। अभी इसका बूस्ट शायद खत्म हो गया, अपन को थोड़ी गाड़ी रोड पे चलेंगे तो वापस बूस्ट आ जाएगा, मैंने पैराशूट छोड़ दिया आराम से। अरे पर इसके बाद दूसरा पैराशूट तो है ना, अरे खुल जा। अबे खुल नहीं रहा, अबे खुल गया, ओ खुल गया। एक मिनट सायरन क्यों बज रहा है, अबे ये कहाँ पे आ गया मैं, अबे मैं मिलिट्री बेस में आ गया। ओ भाई मैं मिलिट्री बेस पे कैसे आ गया, अरे भाई भागो यहाँ से भाई भागो, अपनी कार नहीं बचेगी यार, जल्दी भगानी पड़ेगी यहाँ से फुल स्पीड में भाई। भाई यहाँ से निकालते हैं फटाफट, यहाँ से मिलिट्री बेस में अपन आ चुके हैं यार भाई, जल्दी से भगाते हैं। ओ भाई सामने बताया, भाई उड़ गया वो, आराम से चलते हैं अपन। वो भैया टैंक कहाँ से आ गए भाई इतनी जल्दी, अबे यार मैं मिलिट्री बेस में कहाँ से आ गया। रुको मेरे पास आइडिया है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, पर इस पर एक भी स्क्रैच नहीं आया और ये पूरी गाड़ियों को उड़ा भी रही है आराम से। अब जल्दी से देखते हैं, आपको एक आइडिया तो है मेरे पास, वो शायद बस काम करना चाहिए। जल्दी से चलते हैं अपन यहाँ से, अब आराम से चलेंगे। और ये सामने को, ए पागल बीच में गया भाई, इसको भी उड़ा दिया भाई, ये कितनी ज़्यादा तगड़ी कार है, ज़्यादा नहीं उड़ा पा रही पर मतलब उसको कुछ असर नहीं हो रहा। अब मेरे पास एक आइडिया है, वो जल्दी से करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, आराम से चलते हैं। और ये मैंने यहाँ से ले लिया, अब जल्दी से स्पीड लेनी पड़ेगी, फुल स्पीड में यहाँ से चलाएंगे और भगाते जाएंगे, और सामने से खुदाते ही सीधा बाहर निकलने वाले हैं अपन, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्लान है मेरा ये, और बस ये कामयाब होना चाहिए। और ये मैंने बूझ दे दिया, ये अरे नहीं अंदर नहीं गई, बाहर नहीं गई, ओए जल्दी जल्दी बूझ दो आराम से, भैया बाहर आ गए आराम से लैंडिंग करनी, और पैराशूट खोल लिया, चलो बढ़िया। और यहाँ से आराम से यहाँ पे लैंड करेंगे, आराम से बूस्ट देते हुए थोड़ा चलते हैं, जब तक बूस्ट खत्म नहीं हो रहा तब तक चलाते रहते हैं, जब तक चलाते रहते आराम से। और शायद इसकी बूस्ट खत्म हो गई क्या,
अबे बुश खत्म हो गए यार, फिर बुश खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, पर अपन पुलिस से थोड़ा दूर आ चुके, मिलिट्री बेस से भी थोड़ा दूर आ चुके, तो फटाफट से चलते टोनी स्टार्क के घर पे। यहाँ से थोड़ा पास ही लग रहा है मुझे तो। और ये फिर से बूस्ट आ गया इसके अंदर, और आराम से वही उड़ते जा रहे वो सामने टोनी स्टार्क का घर। यहाँ पे पैराशूट खोल लेता हूँ मैं। हाँ, एक भाई बहुत सा अंदर। अब यहाँ से सीधा मैं टोनी स्टार्क के घर पे चल जाऊंगा बूस्ट देते हुए, मजा आ जाएगा। और इसके बूस्ट फिर खत्म हो गए कि यार कितने गंदे बूस्ट है यार, इतनी थोड़ी थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं, पर अपन हवा में तो उड़ रहे हैं। चलो आराम से चलते हैं, आराम से मस्त आराम से चलते जाएंगे चलते जाएंगे। बस कोई पुलिस वाला मेरा पैराशूट ने फाड़ दे, ऊपर हेलीकॉप्टर तो चल रहा है, भग जाए ऐसे। अब जल्दी से हम बस पहुंचने वाले, बूस्ट वापस आ चुका है थोड़ी देर के लिए, और हम वापस लैंड करेंगे और आराम से फिर से पैराशूट खोलेंगे। बिल्कुल भी ऐसे गिरना नहीं है हमें, आराम से। और ये आ गए नीचे आराम से। अब जल्दी से चलते टोनी स्टार्क के घर पे, और ये यहाँ से आ गए, और ये पूम। ओ भाई जल्दी चलते हैं, अब अपना आ गए आराम से, तो भाई बहुत खतरनाक। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे टोनी स्टार्क के घर पे, इसको अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और चलते हैं इसके पास, इसको बताते कि हमने कितनी तगड़ी चोरी करी है। जल्दी चलते हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। लो भाई मैं आ गया। ये पिद्दी ने तो इतनी जल्दी कर दिया। अरे फ्रैंकली बहुत अच्छा काम किया, पर ये तुम्हारी नाक पे क्या हुआ? अरे वो थोड़ी गोली वोली लग गई होगी। अरे गोली कैसे लगी? अरे वो मैं गलती से मिलिट्री बेस में चला गया था यार गाड़ी लेके। अरे मिलिट्री बेस में कैसे चले गए थे? अरे वो सब छोड़ो ना, तुमको गाड़ी मिल गई ना। अरे हाँ वो सही बात है, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, जाओ गैराज में। क्या गैराज में क्या सरप्राइज रखा है मेरे लिए? जाता हूँ मैं। वैसे तो मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अपन देखते हैं इससे क्या सरप्राइज रखा है अपने लिए। तो गाइस ये है अपना सरप्राइज, और ये मेरे लिए नहीं भाई, ये शिनचैन लिए होने वाला सरप्राइज। उसकी भाई कितनी ज्यादा तगड़ी कार है भाई, हर तरफ की जगह शिनचैन ही शिनचैन है। एक तो व्हाइट कलर की कार, उसके ऊपर देखो उसकी भाई सब जगह की शिनचैन की फोटो लगी हुई है भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी कार है भाई। ये तो शिनचैन देखेगा तो बिल्कुल खुश हो जाएगा यार। यहाँ से चलते हैं भाई। यार ये तो आधा ही हो गया शिनचैन, पर कोई बात नहीं, वापस पूरा हो गया भाई। कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। अब बाहर चलते हैं और शिनचैन को दिखाते हैं, शिनचैन जो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। वैसे सरप्राइज तो मेरे लिए था, पर पता नहीं क्या हुआ ये उस शिनचैन के लिए। भाई शिनचैन ने तो कुछ किया भी यार, टाइम पास कर रहा था, पर कोई बात नहीं, चलाने तो मेरे को ये भाई। कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई इसकी कार यार, कितनी मस्त चमक रही है शिनचैन यार। इसके आगे देख सकते हो शिनचैन है, हिमावारी है, शीरो है, उसकी मॉम है, उसके डैड है, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी है। और शिनचैन भी लिखा हुआ है मस्त भाई। चलते हैं जल्दी से शिनचैन के पास, उसको दिखाते हैं उसकी नई कार, बहुत ज्यादा शानदार। तो अभी हम आ चुके हैं शिनचैन के पास। अरे वेंकी भैया यार ये कितनी मस्त कार है यार, ये कहाँ से चुरा के लेके आए? अबे चुरा के नहीं लेके आए, टोनी स्टार्क ने दिए। अरे क्या टोनी शार्क भैया ने हमें दे दी? अबे टोनी स्टार्क नहीं, ओ सर क्या बोल रहा हूँ, शार्क नहीं स्टार्क। अरे यार वही वही एक ही बात है, देखो कितनी बढ़िया कार है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कार है यार। टोनी स्टार्क भैया को मुझे थैंक यू बोलना है। अबे यहाँ बोलियो आराम से थैंक यू, पर अभी यहाँ से तो चले अपन। अरे यहाँ वेंकी भैया यार इसमें तो शीरो डॉग मम्मी मम्मी सब पापा सब है यहाँ पे, तो अबे हाँ हाँ भाई सबके सब है, तू चल तो सर अभी। अरे वाह वेंकी भैया यार कितनी बढ़िया कार है यार, ये अपन गाड़ी हमेशा रखेंगे अपने पास यार। अरे हाँ हमेशा रखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे तू। तो कैसे बात कर लेते हैं कुछ टॉप 3 कमेंट्स की जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं। तो ये है वो कमेंट्स। पहला कमेंट है गुलशन कुमार की तरफ से, उन्होंने लिखा है ओपी प्लीज गिव मी हार्ट। सेकंड कमेंट है बादशाह की तरफ से, उन्होंने लिखा है सून 100K सब्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, 100K पहुंचना है अपन को। तीसरा कमेंट है ए गेमर्स की तरफ से, उन्होंने लिखा है आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई सी योर ऑल वीडियोस, तो थैंक यू अपनी वीडियोस देखने के लिए। और आप भी आपको चाहते हो कि आपका कमेंट भी ऐसे मैं दिखाऊं, तो जल्दी जाके कोई अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका कमेंट दिखा सकूं। कोई टॉप 3 कमेंट करूंगा पिक में, तो जल्दी से जाके कमेंट कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।